मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर हने। ये शहीद स्मारक है साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में नागपुर का क्या योगदान है इसके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जीवन यात्री सुशील आज भी नागपुर में हूँ, मॉर्निंग वॉक करने निकल चुका हूँ। और देखिए सुहाना मौसम है, कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई है तो वॉक करने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों चलते चलते हम आ गए हैं देखिए शहीद स्मारक की ओर। ये शहीद स्मारक है साथियों, और ये बनाई गई है उन वीर लोगों की याद में, वीर लोगों की स्मृति में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने प्राण निछावर कर दिए। और ऐसे कई ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी हैं, ऐसे वीर हैं, उनको शत शत नमन करते हुए, याद करते हुए इस स्मृति में इस शहीद स्मारक को बनाया गया है। ये देखिए सबसे आगे अपनी छाती सीना ताने हुए अंग्रेजों के अत्याचार को झेलने को तैयार और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए तत्पर यह जमावड़ा है, मूर्ति के रूप में हमें यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मित्रों बस पार्क थोड़ा सा उपेक्षित मुझे लगा, मेंटेनेंस की आवश्यकता सी लगती है। और देखिए पीछे जो दीवार है उसमें पूरा बकायदा डिटेल स्वतंत्रता आंदोलन में नागपुर का क्या योगदान है, इसके अलावा सारी जानकारियाँ हिस्ट्री की नागपुर से रिलेटेड स्वतंत्रता आंदोलन की दी हुई। आंदोलन में नागपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप देख पा रहे होंगे, लगभग 100 प्रमुख लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आप अंत में देखेंगे गोवा के भी कुछ शहीद हैं। और अंत में समाप्ति की है माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से, पुष्प की अपराधा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर हने। तो दोस्तों आशा है कि यह वीडियो और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो सोच के रहें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह जानकारी हासिल कर पाएं। अब अपने इस दोस्त को दीजिए आज्ञा, आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई जगह।